में नौरनागू गांव में लुकस मिंज की हत्या होती है पुलिस की गोली द्वारा, उसको भी याद करते होंगे, याद कर रहे हैं ना। उसके बाद पुलिस द्वारा और एक हत्या का अंजाम दिया गया, कहां पर? मनिका में। मनिका गांव के महज 7-8 किलोमीटर की दूरी में एक बच्ची को रात को 12 से 1 बजे के बीच में मार दिया गया। तो ये तो उदाहरण है हम लोगों के बीच का। और हम लोग ग्रामीण जनता जानते हैं कि 1947 के बाद जब से हम लोग आजादी की प्राप्ति किए हैं, हम लोग किस तरह से पुलिसिया जुल्म को झेल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में लोकसभा सबसे बड़ा संविधान में माना गया है, ना लोकसभा, ना ग्राम सभा, ना लोकसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा को माना गया है। और ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार ये हम लोग आज तय कर रहे हैं कि ये जो योजनाबद्ध तरीके से हमारे गांव में आके त्योहार के दिन में पुलिस द्वारा जो हत्या किया गया, हत्या में जो जो 5 लोगों को फंसाया गया, उसके विरुद्ध में हम लोग को कैसे योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई करना है। हमारे गार्जियन थे दयाली सिंह, ओजपूर्ण ढंग से वो अपनी बातों को रखे और अपनी बातों को इतना गर्माहट तक ले गए कि आज हमारे जो 16 साल के जवान है उसमें गर्मी नहीं आ रहा है, और 72 साल का हमारे गार्जियन है उसमें ये तेवर है, अभी भी रोड जाम करने के लिए तैयार है। अभी भी उनका कहना है कि आज मैं 1 इंच भी पुलिस की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो उनसे जो जज्बा मिलती है उसको हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। और आज हम लोग जो ग्राम सभा के माध्यम से जो निर्णय ले रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी कितना ही संघर्ष करने का जरूरत होगा, हम लोग करेंगे, तैयार हैं। करेंगे कि नहीं? तैयार हैं। हाँ, तो करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को चाहे भूख सहना पड़े, चाहे प्यास लगे, तो उसमें हम लोग 2-4 घंटा सह भी लें, हम लोगों को मंजूर है, लेकिन हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। दूसरी बात कि जो मुख्यमंत्री के नाम से एक हम लोग जितना भी समाज सेवी लोग हैं, मैं भी एक आदिवासी महासभा का लातेहार जिला का संयोजक हूं, जिला संयोजक, उसके माध्यम से हम लोग के साथ 5-6 टीम आया था जिसमें 2-3 साथी मानवाधिकार टीम से भी था। तो संयुक्त रूप से हम लोग एक आवेदन तैयार किए हैं आप लोगों के उपस्थिति में, मुख्यमंत्री सीएम साहब को ये चिट्ठी हम लोग देने जाएंगे, जिसके लिए तिथि निर्धारित करेंगे 2-3 दिन में, और आपके उपस्थिति में, ग्राम सभा के उपस्थिति में इस चिट्ठी को हम लोग माननीय सीएम महोदय को सुपुर्द करेंगे। ये ठीक रहेगा? मुख्यमंत्री, चूंकि यहाँ का थानेदार भी हम लोग का FIR 20 दिन के बाद लिया, हम लोग का जो आला अधिकारी हैं SDPO साहब हैं वो भी संज्ञान में नहीं लिए, SP साहब के जो चार्ज में जो SDPO साहब हैं वो भी हमारा केस का संज्ञान नहीं लिए, तब हम लोग किसके पास में जाएंगे? ऊपर के अधिकारियों के पास जाएंगे। अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे लाल मोहन जी से कि पहले DIG के पास जाएंगे, उसके बाद सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजा में खटखटाएंगे, वो कहेंगे हुजूर हम लोग का दुखड़ा ये है, आप इसको ग्रहण कीजिए। यही ना करना होगा? आव बर मुंह में पर होता है, कितनों हम भुखाल रहेंगे और हम सुत जबे अथी महुआ अरे अथिया गाछ के नीचे, बर के नीचे, और मुंह फाड़ ले रहे तो पेट भर जाता है, ओकरे में खाली गिरते मुंह पे कि हमनी के मेहनत करेला पड़ता है। तो तमाम चीज के सोच विचार करके हमनी के कार्यक्रम तैयार करेला होता है ना। जितना भी ग्रामीण लोग हैं, हम लोग को सुख दुख सह के
इस आंदोलन को हम लोग को खड़ा किया है कौन, पुलिस की गोली, और हम लोग उसके बराबर उससे ऊंचा एक मैंने आवेदन के माध्यम से हम लोग उस आवाज को बुलंद करेंगे और हिमालय से भी ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे ताकि उसके कान में सुने, उसके कान में आवाज जाए। दूसरी बात कि जो यहाँ पर हम लोग सरहुल मनाते हैं तो थाना को मालूम नहीं रहता है। सरहुल का नेम में तो सब लोग आपस में हम लोग सखुआ का छोटा डाली दे के न्योता देते हैं कि भाई हमारे यहाँ फलना दिन न्योता है, इस रवन आ जाए का 15 दिन देते हैं। ये सब प्रावधान है, पारंपरिक प्रावधान को हम लोग अभी भी मान रहे हैं, और ये भी हम लोग जान रहे हैं कि उससे एक दिन पहले शिकार करने निकलते हैं। शिकार करने निकलते थे ना, आज भी बरकरार है। एक चीज यहाँ हम लोग मान के चलते हैं कि जितना हम लोग शिकार करने के निकलते हैं उसमें कुत्ता भी जाता है कि नहीं, बताइए, कुत्ता भी जाता है कि नहीं, तो कुत्ता का हिस्सा देते हैं कि नहीं है? और पारंपरिक प्रावधान के अनुसार गांव में जो महिला प्रेग्नेंट रहती है, प्रसव पीड़ा से जूझ रही होती है, उसके लिए भी ग्राम सभा कहता है कि एक हिस्सा पतई में टीप के भेजा दिया जाता है, चाहे एक पीस रहे चाहे चार पीस रहे, लेकिन जरूर मिलता है। हम लोग विशु चंद्रा भी करते थे। विशु चंद्रा का है जानते हैं, सिंद्रा, सिंद्रा भी होता है और एक विशु चंद्रा भी होता है। अब ग्राम सभा के माध्यम से हम बता रहे हैं कि विशु चंद्रा एक बृहद शिकारी का योजना बनता था। जब हमारे राजा रोहतासगढ़ में रहते थे तो विशु चंद्रा के लिए एक सप्ताह के लिए निकल जाते थे, और गांव मोहल्ला टोला का जितना भी दुख दर्द होता था, शिकार भी खेलते थे, उन्हें सुअर भुजाइत रहता था और इन्हें फैसला भी होते रहता था। विशु चंद्रा में सतगैया के लोग जाते थे, लेकिन सिंद्रा में गांव के लोग जाते थे। दोनों में अंतर है ना, है? रवन ई कहानी जैसे हमनी के कहानी बा, सबके याद रखे के चाहिए, और हमनी के नाती पोता है वो सबको बताए के चाहिए कि विशु चंद्रा क्या है, सिंद्रा क्या है, है? आजकल जो हमारे बाल बच्चे रांची में पढ़ रहे हैं, सरहुल का नेम क्या है उसको भी नहीं जानता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग नहीं बता रहे हैं तो किसका कमजोरी है, हमारे लोगों का कमजोरी है। नई पीढ़ी को वो सोच पैदा करने की जरूरत है जो कि आज विज्ञान कहता है। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक लेटर प्रेषित किया गया है, पत्र लिखा गया है, उसको मैं आपको सुना दे रहा हूं। प्रेषित हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री जी, सुरक्षा बल द्वारा हमारे गांव में गोलीबारी करने एवं युवक को मारने के विरुद्ध कार्रवाई की अपील। स्पष्ट हो गया, हम पीरी गांव के घासी टोला पंचायत गारू प्रखंड लातेहार जिला के पीड़ित ग्रामीण हमारे साथ हुए अन्याय के विरुद्ध बताना चाहते हैं। 13 जून को हम लोगों के गांव में सरना परंपरा के अनुसार सरहुल पूजा तय की गई थी, और 12 जून को गांव के कुछ पुरुष नेम सरहुल मनाने की तैयारी के अंतर्गत शिकार के लिए गांव से निकले ही थे कि उन पर जंगल किनारे से सुरक्षा बलों से गोली चलानी शुरू कर दी। उन्होंने हाथ उठाकर चिल्लाया कि वे आम जनता हैं, पार्टी नहीं है, और गोली न चलाने का अनुरोध किया। युवकों के पास पारंपरिक भरठुआ बंदूक थी जिसका इस्तेमाल हम लोग छोटे जानवरों का शिकार के लिए करते हैं, कि हाथी मारते हैं ओकरा से। इन्होंने गोली नहीं चलाई थी, कोई गोली नहीं चलाया था उस दिन,
सात को भरठुआ बंदूक था, कोई गोली नहीं चलाया था, लेकिन सुरक्षा बल की ओर से गोलियां चलती रही। दिनेश सिंह के हाथ में गोली लगी। दीनानाथ सिंह के हाथ में गोली लगी और ब्रह्मदेव सिंह के शरीर में गोली लगी। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान ब्रह्मदेव को जंगल के किनारे ले जाके फिर से गोली मारे, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद ब्रह्मदेव सिंह के साथ निकले पांचों युवकों के कपड़े खुलवाए गए और जंगल ले गए। हम सबको डर लग रहा था कि वे कहीं उन्हें मार ना डाले। आप लोग के जुबानी में बात लिखल है ना। शाम को पुलिस शिकार पर निकले पांचों युवकों को थाना ले गई और उसके कई सारे कागजातों पर हस्ताक्षर और उंगली के निशान लगवा लिए। ये बात सही है। उन्हें कागज में लिखी बातें पढ़ के भी नहीं बताया गया, कुछ सादे कागजों पर भी हस्ताक्षर कराए गए। सही बात है। पीड़ितों और ग्रामीणों को यह पता चला कि पुलिस ने ब्रह्मदेव समेत छह युवकों पर विभिन्न धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर दी है। साथ ही प्राथमिकी के बाद पुलिस ने घटना की गलत जानकारी लिखी है। दो ग्रामीणों को बिना बताए गलत तरीके से उनके हस्ताक्षर लेकर गवाह भी बना लिए, जो हम लोग का के बीच में अभी उपस्थित है। हम 29 जून को, याद रखिएगा, हम 29 जून को मंगलवार न इंसाफी के विरोध में एवं ब्रह्मदेव सिंह के हत्या के जिम्मेवार सुरक्षा बल के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराने गारू थाना गए। एक दिन पहले ही पुलिस द्वारा विभिन्न तरह के तरीके से हम लोगों पर दबाव बनाइले हलथी ना। उसके बाद हम प्राथमिकी दर्ज कराने गए और हम लोग बहुत देर तक डटे रहने के बाद जीरामणि देवी और उसके साथ जो जो लोग थे सब साथ में गए, लेकिन आज तक पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है। हम लोग पुलिस अधीक्षक को इस मामले में सच्चाई के साथ आवेदन संलग्न करके दे दिया है, सुपुर्द कर दिया है, उसको सौंप दिया है। 12 जून की घटना के बाद गांव में सरहुल की खुशियां मातम में बदल गया था। निर्दोष आदिवासियों पर सुरक्षा बल ने गोली चलाई, एक युवक की हत्या की, फिर पीड़ितों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ब्रह्मदेव सिंह के हत्या के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की। मुख्यमंत्री जी, आप आदिवासियों के विरुद्ध ये अन्याय कब तक चलेगा? ये आप लोग के द्वारा सवाल रखा गया है चिट्ठी के माध्यम से। हम लोग अपील करते हैं ग्राम सभा के माध्यम से कि आप हस्तक्षेप करें, हम आदिवासियों के साथ खड़े हों, हमारी प्राथमिकी दर्ज कराएं, दोषी सुरक्षा बल के विरुद्ध कार्रवाई करें, पीड़ितों पर दर्ज फर्जी प्राथमिकी रद्द करें और ब्रह्मदेव सिंह के परिवार को मुआवजा दें। ये मांग कौन रखा है? ग्राम सभा रखा है। हाँ। हम लोग हाँ क्यों नहीं बोलते हैं? कौन मांग रखा है? ग्राम सभा, मैंने हम लोग सब मिल के ग्राम सभा रखा है। कल फिर आके ना एक दो जन को भून दे, तो हम लोग यही सब करते रहेंगे। मैंने आदिवासियों का जिंदगी आंदोलन भरा है, अगर रोज दिन आंदोलन करेंगे ना तो क्या कहेगा? आंदोलन जीवी कह देगा।
कोई बात हुई तो इस बारे में हम लोग को ख्याल करना है।